नमस्ते दोस्तों दोस्तों हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एडेड स्कूल्स में टीचर्स की वैकेंसी आई है वो सारी की सारी मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। जैसे कि सामने आप देख रहे हैं नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मंगलौर हरिद्वार, यहाँ पे आ रखे हैं। ये वैकेंसीज वगैरह आप खुद ही पढ़ लेंगे। नीचे इनमें प्रकाशन तिथि और अंतिम तिथि दे रखी है। अंतिम तिथि यानी कि इस डेट से पहले पहले आप लोगों का फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। वैसे इस फॉर्म में सारा डिटेल लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये जो फॉर्म है ये रोशनाबाद में जाके ही मिलेंगे, ठीक है। सारी प्रोसेस मैंने पहले भी बता रखी है। रोशनाबाद आप जाएंगे, 300 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा। वो ड्राफ्ट देने के बाद वो लोग आपसे एक फॉर्म देंगे आपको। उस फॉर्म को भरने के बाद डॉक्यूमेंट सारे अटैच करने के बाद बाई पोस्ट ही आपको भेजना पड़ेगा, और भेजना भी रोशनाबाद ही है, ठीक है। वो सारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लेंगे और सेंड करेंगे। मैं आप लोगों को बाकी कॉलेजेस का भी दिखाने वाला हूँ, और इसके बाद भी थोड़ा सा आप थोड़ा वेट करिएगा, मैं कुछ बताऊँगा आपको। तो एक तो ये पहला हो गया नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मंगलौर हरिद्वार, ठीक है। ये सारी पोस्ट आपके सामने है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है ये RNI इंटर कॉलेज भगवानपुर, ठीक है। ये भी हरिद्वार में है, और अगर आप भी यहाँ के लिए आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा आप देख लें, पोस्ट वगैरह दिख रही होंगी आपको। जैसे कला की एक है, अंग्रेजी की 2, और उसके बाद सामान्य विज्ञान 2 हैं, और हिंदी की भी 2 हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ पहले ये देखिएगा कि आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं, तभी फॉर्म भरिएगा, ठीक है। विज्ञापन संख्या भी दे रखी है और अंतिम तिथि भी दे रखी है। तो अंतिम तिथि का मतलब ये है कि बाई पोस्ट वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझना आप लोग कि अंतिम तिथि का मतलब है कि रोशनाबाद 19 तारीख से पहले पहले जाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं, ये दूसरा स्कूल है और इसका ये है कार्यालय किसान विद्यालय इंटर कॉलेज लक्सर हरिद्वार में, ठीक है। यहाँ पर भी पोस्ट हैं ये, और थोड़ा ठीक ठाक ही पोस्ट हैं। तो अगर आप लोग यहाँ के लिए आवेदन करना चाहें तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, श्री सत्यनारायण मंदिर इंटर कॉलेज मखदूमपुर जिला हरिद्वार। तो इसके बारे में एक चीज़ मैं बता दूं, इस कॉलेज में लास्ट ईयर भी वैकेंसी आई थी। अब मुझे पता नहीं है कि इन्होंने लास्ट टाइम क्यों नहीं इसको फिलअप किया, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने दोबारा निकाल दिया है, ठीक है। आप लोग चाहें तो भर लीजिए। संस्कृत की एक पोस्ट है एंड सामाजिक विज्ञान की एक पोस्ट है, ओके। नेक्स्ट है प्रबंधक कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज गणेशपुर रुड़की। तो अगर यहाँ के लिए भी अप्लाई करना चाहें तो करिए। एक चीज़ मैं बताता चाहता हूँ कि ये जो कन्या पाठशाला है यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स टीचर ही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। कन्या इंटर कॉलेज वगैरह जो होते हैं यहाँ पे सिर्फ टीचर, फीमेल टीचर ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ के लिए। नेक्स्ट है आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की। ये देखिए आगे आपके सामने, तो कन्या पाठशाला है तो यानी यहाँ पे जो टीचर्स होंगी वो फीमेल ही भर सकते हैं। नीचे लास्ट में डेट देख लीजिए आप, प्रकाशन 5 मार्च को निकला था ये, और अंतिम तिथि है 25 मार्च की। तो उससे पहले पहले आप लोग भरना चाहें तो भरिए। इस स्कूल को मैं आप लोगों को थोड़ा रिकमेंड करूँगा कि जो फीमेल्स हैं वो यहाँ अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि बाकी स्कूलों से ये स्कूल काफ़ी अच्छा स्कूल है और एक रेपुटेटिव स्कूल है रुड़की के अंदर। और एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ इसके बारे में, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख के अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मूलराज कन्या इंटर कॉलेज रामनगर रुड़की हरिद्वार। अगर इस स्कूल में भी कोई फीमेल टीचर अप्लाई करना चाहें तो करें। ये स्कूल भी रुड़की में आता है और काफ़ी अच्छा स्कूल है, और आप लोग यहाँ अप्लाई के लिए अगर एलिजिबल हैं तो पक्का करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कार्यालय प्रबंधक लाला ओम प्रकाश ज्ञानदीप गर्ल्स इंटर कॉलेज लाल ढांग हरिद्वार। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। ये फ़िलहाल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप सबको सारे विज्ञप्तियाँ एक सामने ही मिल जाएँ, ठीक है। तो 5 मार्च को इसकी विज्ञप्ति आई थी और 25 मार्च को इसका लास्ट डेट है। तो ये आपके सामने सारे स्कूल्स का मैंने बता दिया है, इन स्कूल्स की वैकेंसीज़ हैं। आप लोग चाहते हैं तो आप रोशनाबाद जाके भी इन सारे विज्ञप्तियों को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
अब एक बात मैं आपसे स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल्स हैं दोस्तों, इन स्कूल्स में ज़्यादातर जो टीचर्स लगते हैं वो पैसे दे के ही लगते हैं, यानी कि यहाँ पे रिश्वत वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलती है और अभी फ़िलहाल तो कुछ ज़्यादा ही चल रही है। मेरे सुनने में ऐसा है कि 15 से 20 लाख रुपए एक LT के लिए ले रहे हैं स्कूल में। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल भी जानता नहीं हूँ कि लेते हैं नहीं लेते, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स मुझसे कह रहे हैं कि लिया जा रहा है। एक वीडियो मेरे पास आया है, एक किसी कैंडिडेट ने मुझे भेजा है और उसमें यहाँ रुड़की का ही एक स्कूल है, 6 तारीख को इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया था और बाद में उन लोगों को बोल दिया गया कि कैंसिल हो गया आपका इंटरव्यू और वापस भेज दिया गया। लेकिन समझदारी इसमें है कि आप लोग भर लें और ट्राई कर लें, क्योंकि हर जगह एक जैसा माहौल नहीं है, ठीक है। सारे स्कूल्स में सभी के सभी ऐसे नहीं होंगे कि जहाँ पे पैसे चलते हैं, कहीं ना कहीं तो नाम आ ही जाएगा। और ये स्पेशली याद रखना कि जो आपके पास हो, इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप रहने वाले मतलब हरिद्वार के हैं और आप भर रहे हैं पिथौरागढ़ से, या पिथौरागढ़ का कैंडिडेट भर रहा है हरिद्वार से, तो इसमें भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप हरिद्वार के ही कैंडिडेट हैं या आसपास के हैं जो आसानी से हरिद्वार तक पहुंच जाएंगे, अगर आपको कॉल अप में बुलाया जाएगा यहाँ इंटरव्यू में, देन आप इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। क्योंकि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, 300 रुपये का फॉर्म है और अगर बाई चांस सिलेक्शन हो भी जाता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है आपका। सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता देता हूँ, 7 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। जैसे कि ये जो फॉर्म आपके सामने दिख रहा है, जैसे लाला ओम प्रकाश ज्ञानदीप, तो मान लीजिए यहाँ पे 100 बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, 100 में से जो टॉप के जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, टॉप के 7 कैंडिडेट्स को यहाँ बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, उन 7 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट होगा, ठीक है। तो होपलेस मत होइए कि बिल्कुल ही धांधली चलेगी, 1% ये भी लगा सकते हैं कि नहीं भी हो, बाय लक आप लोग हो भी सकते हैं। तो फॉर्म भरने में कोई नुकसान नहीं है, आप लोग यहाँ अप्लाई पक्का करिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो हम लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं, जिनके बारे में लगातार मैं बता रहा हूँ, LT के भी आपने भरे होंगे, प्रवक्ता के भी और PRT के भी भरे होंगे, तो उसमें थोड़ा वक्त लगने वाला है। PRT में तो खैर काफ़ी वक्त लगने की मुझे लग रहा है कि लगेगा, क्योंकि कोर्ट केस हुआ है। और LT एंड लेक्चरर के लिए भी अगर आपने फॉर्म भरा है तो दोस्तों काफ़ी मेहनत करिए और इस पेपर को क्रैक करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।